मैया नाग के प्रसंग को याद करती है और भगवान को प्रार्थना करती है, उसी तरह आइए आप हमारे जीवन में प्रवेश करिए। और जहाँ भगवान का प्रागट्य हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, वहाँ जो विकारों का अंधकार है, जो विषयों का अज्ञान का अंधकार है, वो अपने आप मिट जाता है। भगवान का प्रकट होना, भगवान के प्रति हृदय में प्रेम प्रकट होना महत्वपूर्ण है। फिर विषय रस जो है अपने आप निकल जाते हैं और भगवान की मुलाकात, जिसे हम जीवन का कल्याण कहते हैं, वो हो जाता है। गोपिया, ये भाव हमारे सब के हृदय में इसके माध्यम से प्रकट कर रही है। आइए गोप गीत के चौथे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। नखलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्र नखलु नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्र विघ्न सारथि तो चौथे श्लोक में गोपिया भगवान को प्रार्थना करती है। गोपियों का ये चौथा जो जूथ है वो भगवान को अब अलग भाव से प्रार्थना करता है। मनाने की कोशिश गोपिया कर रही है। सात्विक भाव को हमने देखा, इस चौथे जूथ का परिचय गोपी गीत में मिलता है कि चौथा जो जूथ था ये गोपियों का, उनका भाव निर्गुण रहा है। तो ये गोपियाँ भगवान को प्रार्थना करती है कि हे सखे, आप केवल यशोदा के ही लाल नहीं है, हे कृष्ण, हे सखा, आप केवल यशोदा के ही लाल नहीं है, अपितु आप तो समस्त जो शरीरधारी है उनके अंतरात्मा है, आप दृष्टा है। आपको ब्रह्मा जी के भक्तों ने, ब्रह्मा जी के आवाहन पर आपने विश्व का रक्षण करने के लिए यदुकुल में अपना अवतार प्रकट किया है। गोपिया सुंदर भाव व्यक्त करती है भगवान के प्रति कि नखलु गोपिका नंदनो भवान की, हे कृष्ण। यहाँ सखे भी भगवान को कहती है क्योंकि ये समर्पित है और
ये अपने जैसा भगवान को समझती है, क्योंकि जहाँ द्वैत निकल जाता है वह अद्वैत भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए ये गोपियाँ तो अपने को कृष्ण भी समझती थी, इतनी एक बन चुकी है कृष्ण में। जैसे रामकृष्ण परमहंस पूजा की थाली लेकर माँ काली माँ के मंदिर जाते थे, पूजा की थाली में पूजा का सारा साहित्य होता था, फूल माला होती थी, सब कुछ लेकर जैसे माँ के मंदिर पहुँचते, माँ के मंदिर के सामने जैसे ही बैठ जाते और माँ के दर्शन करते, भूल जाते कि वो माँ और मैं अलग है, दोनों हम एक ही है। एकात्म भाव हृदय में प्रकट हो जाता था। तो पूजा माँ की करनी होती थी तो पूजा खुद अपने कर लेते, फूल माला लाई थी माँ को पहनाने, वो फूल माला खुद अपने गले में डाल देते, भूल जाते थे कि माँ मुझसे अलग है, अपने को एक समझ जाते थे। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब यही भाव हृदय में प्रकट होना जरूरी है, अद्वैत भाव हृदय में प्रकट होना जरूरी है कि भगवान और मैं हम दोनों एक ही है। यही भाव गोपियों का रहा है, अद्वैत भाव। हम भी भगवान को अलग न समझे, अब यही भगवान भी इन गोपियों को समझाना चाहते हैं और इनको मजबूत बनाने के लिए, यही ज्ञान देने के लिए कि माँ मुझे कहीं ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपके भीतर ही विराजमान हूँ, यही भाव इन गोपियों का रहा है। बोलिए जगत गुरु भगवान की। जगत गुरु जी को प्रणाम करता हुआ, दंडवत प्रणाम करता हुआ, इस सभा में जगत गुरु जी का मैं स्वागत करता हुआ, मैं स्वामी जी से कहूँगा, रामकिशन दास जी से, हमारे सब की ओर से जगत गुरु जी का आप सम्मान करें और हम सब की ओर से आप प्रणाम करें। बोलिए रामानंदाचार्य भगवान की जय। स्वामी जी को प्रणाम करता हुआ आज की अपनी सभा में स्वागत करता हुआ, ये जो गोपिया है जिनका भाव निर्गुण है, तो वो गोपियाँ उसी तरह भगवान को प्रार्थना करती है, क्योंकि जैसे हमारा स्वभाव है वैसे विचार मन में उठते हैं, जैसा हमारा स्वभाव हो वैसा भाव तैयार होता है हृदय में, जैसे स्वभाव के अनुकूल। तो ये जो गोपियाँ है ये भगवान को कहती है कि हे भगवान, आप कोई अकेले उस नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप तो समस्त जीव प्राणियों में के हृदय में विराजमान अंतरात्मा हो। हे भगवान, आप तो दृष्टा हो, आप तो दृष्टा हो। वो भगवान का स्वरूप प्रकट करती है। भगवान को हम जो भगवान को खोज रहे हैं उस भगवान का पता हमें ये गोपियाँ बता रही है। और वैसे ही हमें सभी शास्त्रों ने वही ज्ञान दिया कि हम और भगवान दोनों अलग नहीं है। जैसे कोई मछली कहे कि मुझे बहुत प्यास लगी है, जो जल में रह रही है वो मछली जब कहती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है तो हमें हंसी आती है, उसी तरह क्योंकि जल में ही रहने वाली मछली कैसे प्यासी रह सकती है।
उसी तरह हम जब कहते हैं कि हमें भगवान को मिलना है तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि हम भगवान ही है। अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, हमारे वेदों ने कहा कि ये जो आत्मा है वही परमात्मा, जो ब्रह्म है वही आपके भीतर विराजमान है, आप उससे अलग नहीं है। जब अद्वैत भाव प्रकट होगा तब इसकी अनुभूति होगी कि मैं और भगवान हम दोनों एक ही है। ये एक भाव गोपियों का इसमें रहा है, और गोपियों का और दूसरा एक भाव यह हमें दिखाई देता है कि गोपियाँ भगवान के स्वरूप को दर्शाती है, और भगवान का जो अस्तित्व है, भगवान की जो महिमा है, जो भगवान को वो अनंत कह रही है और भगवान के लिए वो स्तुति कर रही है कि है कन कन में झाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कि ये हमारा जो कृष्ण है, हमारे जो भगवान है, बस वो अकेले नंद यशोदा के नहीं है, वो तो कन कन में बसे हुए है, लेकिन उसे देखने के लिए वो आंख तो हमारे पास हो, फिर वो कन कन में दिखाई देंगे। है कन कन में झाकी भगवान की, है कन कन में झाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कन कन में झाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। और आपने कथा सुनी ही है कि बस वो आँख हमारे पास होनी चाहिए। एक दिन संत नामदेव की कथा आपने सुनी है, एक दिन भूख लगी थी तो भोजन पाने हेतु रोटी थाली में रखी और भोजन पाने बैठे, उतने में किसी ने उनकी रोटी उठाई और रोटी लेकर भाग गए। किसने उठाई थी रोटी? किसने उठाई थी? हमें वो कुत्ता दिखाई देता है, लेकिन नामदेव को वो कुत्ता नहीं दिखाई देता, नामदेव को तो वो अपना प्यारा भगवान दिखाई देता है। ये आँख आँख नजर नजर का फर्क होता है। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रुखी तो न खाओ, बोले रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ, बोले रुखी तो न खाओ, बोले रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। और नामदेव के हृदय से भाव निकलता है,
तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। तूने शक्ल बना ली है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। क्या भाव रहा है संत नामदेव जी महाराज का, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, मुझ मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। नामदेव कह रहे हैं कि आपका मेरा दोनों का शरीर अलग है, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा तो एक है ना, हमारा नूर तो एक है, फिर क्यों मुख छिपा रहे हो। तेरा मेरा एक नूर, नामदेव जी महाराज का भाव है कि तूने शकल ओढ़ा ली है श्वान की, शकल श्वान की बना ली और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। ये शरीर अलग है, लेकिन शरीर में रहने वाली ये आत्मा एक है। एको हम, वो आत्मा एक है, बस हमें हमारे पास हमारी पास वो नजर होनी चाहिए। जब तक वो नजर नहीं मिलती, हमारा सवाल होता है भगवान कहाँ है। जब तक वो नजर नहीं मिलती, तब तक सवाल होता है भगवान कहाँ है। और जब नजर मिल जाती है तो हमारा सवाल बदल जाता है, और हमारा सवाल बन जाता है भगवान कहाँ नहीं है। जब वो नजर मिल जाती है, याद आती है, जिसे जगतगुरु भगवान भी अपने प्रवचन में कल याद कर रहे थे मीराबाई को, कि जब सांप आता है तो उस सांप को भी मीरा कृष्ण समझती है कि ये सांप नहीं, ये तो मेरा काला किशन मुरार आ रहा है। निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली, मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, हो आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरो भाग, बोली धन्य मेरो भाग, बोली धन्य मेरो भाग, धन्य मेरो भाग, आओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार, काले किशन मुरार, काले किशन मुरार, काले किशन मुरार, काले किशन मुरार, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान, हाँ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की।
सी सोझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सोझ वाली आँख ने पहचान। है कन कन में झाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। अगर वो आँख होती है तो हमें कन कन में भगवान दिखाई पड़ते हैं। महाराज एकनाथ जब भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे, शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए गंगा जल ले जा रहे थे, जब किसी एक उस प्राणी को, गधे को तड़फता हुआ देखा, तो वो जो गंगा जल था उसको दिला देते हैं, उसको वो पिला देते हैं कि इसमें भी तो मेरे शिव है, महादेव है। ये उनके पास नजर थी, ये दृष्टि उनकी बनी हुई थी। इसलिए हमारी दृष्टि वैसी बननी चाहिए। अंतरात्मा जिसको ये गोपियां कहती है, इस श्लोक के माध्यम से वो उस भगवान को दृष्टा कहती है, वो उस भगवान को चैतन्य शक्ति, उस भगवान को आत्मा कहती है, और वो भगवान के स्वरूप को प्रकट करती है कि अनेकों में एक वो भगवान है। वो अलग अलग नहीं है, शरीर अलग हो सकते हैं लेकिन वो भगवान एक है। इसलिए संत बहुत प्रेम से गाते हैं, मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। इसलिए संत गाते हैं, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, कि मुझ में तुझ में सब में राम समाया है, राम के बगैर कुछ है ही नहीं, जित देखो तित तू ही तू, जहां देखो हे प्यारे आप ही दिखाई देते हो। तो इस श्लोक के माध्यम से ये गोपियां भगवान के उस अनंत स्वरूप को प्रकट करती है, अनंत स्वरूप का वर्णन ये गोपियां करती है। इसीलिए पहचान सके तो पहचान, कन कन में छिपा है भगवान, वो भगवान कन कन में छिपा हुआ है, बस हम उसे पहचान सके, उसको देखने के लिए वो नजर हमारे पास होनी चाहिए। तो बहुत ही एक शुद्ध भाव इन गोपियों का है, ये गोपियां भगवान को समर्पित है और भगवान के अलग अलग स्वरूप का वो वर्णन करती है, स्वरूप को याद कराती है। और भी इस भगवान निर्गुण जो कहती है, ये भगवान को निराकार कहती है, अंतर्यामी शब्द का प्रयोग गोपी करती है। तो और चर्चा हम कल की कथा में यहाँ से करेंगे। तो आज यहाँ पर जितना भी इन गोपी गीत के जो श्लोक है, जो भाव प्रकट करने की मेरी कोशिश थी, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की उस गोपियों के भाव को आपके सबके सामने रखने के लिए। तो आइए हम आज की कथा को विश्राम देने से पहले यहाँ पर
आज एक झांकी के दर्शन करें। और जैसे इन गोपियों ने पूरे अपने भाव से भगवान को ढक दिया है, प्रेम से भगवान को ढक दिया है, हम भी कोशिश करें और हम फूलों की रुष्टि भगवान पर करें। आज भी वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है और फिर भगवान को पूरा पूरा फूलों से इतनी पुष्प वृष्टि होती है, इतने फूल बिछाए जाते हैं, अर्पण किए जाते हैं कि भगवान उसमें ढक जाते हैं। तो फूलों की होली का सुंदर ऐसा दृश्य यहाँ पर हम भी झांकी के माध्यम से अनुभव करें। आप भी जुड़े इस झांकी के साथ और आप भी पूरे पूरे भाव से जुड़िए और आनंद की अनुभूति हम सब यहाँ पर करिए। आवाज ठीक कर। हरिओम। हरिओम। फूलों से सजी रहे हैं, फूलों से सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सजी रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजी रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सजी रहे श्री वृंदावन बिहारी, और संग सजी रही है, और संग सजी रही है विश्वभानु की दुलारी। और संग सजी रही मान की दुलारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी। हाँ, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, सज रही है ऋषभान की दुलारी। और संग सज रही है ऋषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे जय हो। सर पर रखा है किस अदा से, तेरा सब कुछ सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई है, बिन मोल बिक गई है, बिन मोल बिक गई है, बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी। बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे श्री
आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। सदके इन दोनों पे में वारी, इन दोनों पे में सदके, इन दोनों पे में वारी, दोनों सज रहे श्री वृंदावन पतका इत पे गुलाबी पतका उत पे गुलाबी साड़ी इत पे गुलाबी पतका उत पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे दुलारी नंद का है छोरा
हमारी संकीर्तन मंडली भी कीर्तन मंडली भी आ जाए। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। भगवान के भजन का परिणाम है भगवान के कृपा की रोशनी फूलों के माध्यम से। जब भगवान का भजन हृदय से होता है तब भगवान आशीर्वाद की रोशनी करते हैं, कृपा की रोशनी करते हैं। एक भगवान का भजन ही है जो भगवान की कृपा दिलाता है। हरे राम 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 हरे 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 राम।
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे औरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की बस बस बहुत आप सबको धन्यवाद। मुझे पता है इस भक्ति की शाम नहीं होती, इस आनंद की शाम नहीं होती, कुछ लोगों को कहना पड़ता है गाइए और कुछ भगत ऐसे होते हैं कि रुकिए, किसी को रोकना पड़ता है और किसी को जबरदस्ती करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हुआ। तुम्हें टे लाज लगभग कथा मु तुम भाषा कौच से मैंने नजाणतु बोली के तुम मानक से मैंने भक्ति करुंट तुम मैंने चालीसटा लोक अच्छ तुम मानते फूल वर्षा करम मैंने मात्र चालीसटा लोक अच्छ खाई पीकरी खाली अलक्षणीय गुड़ाक टिके लक्ष्मीवंत गुण ना तुम पाखे पाप कर पुण्य कर अधिका हेले किछ असुविधा हो जाऊ तुम एबे सिनेमा शूटिंग हम डॉक्यूमेंट्री तैयारी हम गोटे गध गुड़ाक जा कड़े बुली सबु टिके बुद्धिवृत्ति अच्छे मुंड भितर कालीठू शपथ कर स्वामीजी सामने स्वामीजी सामने शपथ कर शुभुच कि ना समस्त को डाक रखिब जदि ठीक पिला तुम मैने का समस्त
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି ରଖିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଶୁଭିଲା? ନହେଲେ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇକରି ଯିବ। କେତେ ତୁମ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କଲେ, ତୁମକୁ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ? ଆଉ ଅଧେ ଯାଇଛ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି, ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମାଡ଼ ଦରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ। କାଲିଠୁ ସମସ୍ତେ ଏକଠୁ ଯେତିକି ଅଛ ସମସ୍ତେ ରହିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚା ପିଇବ, ଏଠିକି ଆସିବ, ଏକ ଦେଖେଇଲେ କେବଳ ଯିବ, ଏଠିକି କମ୍ବଳ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ନାଁ ପକେଇବ, ସବୁ ଶପଥ କର। କାଲିଠାରୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ରହିବା ସେତିକି ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ, ଆରେ ଖାଇବା ପିଇବା ତୁମର ସବୁ ଅଛି, ତୁମେ କାହିଁ ଏମିତି ହବ? ଶୁଭିଲା? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କହି କହିକିରି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଜି ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ରହିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ସିନେମା ହବ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ହବ, ଏନେ ତୁମମାନେ ସବୁ ରହିବ, ହେଲା? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଶୁଭିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ। ଅର୍ ଜିତନେ ବି କ୍ୟାମ୍ପ ମେ ଲୋକ ରୁକେ ହୁଏ ହେଁ, ପାଲ କେ ୟା ଫୈଜପୁର କେ ୟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେ ଗୁଜରାତ କେ କହିଁ କେ ବି ହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ କେ ହରିୟାଣା କେ ପଞ୍ଜାବ କେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେ ଯାହା ଯାହା କେ ବି ଲୋକ ହେଁ, ସଭି ଲୋକ 3 ବଜେ ସେ 7 ବଜେ ତକ କା ନିୟମ ହେ କଥା କା, 24 ଘଣ୍ଟେ ମେ 4 ଘଣ୍ଟେ କଥା କେ ହେଁ, 20 ଘଣ୍ଟେ ଆପକେ ଘୁମନେ କେ ହେଁ। ଅର୍ ତୀର୍ଥ ମେ ଆକର କେ ସତସଙ୍ଗ ନହିଁ ସୁନନା, କଥା ନହିଁ ସୁନନା, ଇଧର ଉଧର ବ୍ୟର୍ଥ କି ବାତେ କରନା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରନା, କମରୋ ମେ ବୈଠେ ରହନା, ୟେ ଭଗବତ ଅପରାଧ ହେ। ତୀର୍ଥ ମେ ଆକର କେ ଅଧିକ ସେ ଅଧିକ ଭଜନ କରନା ଚାହିଏ, ଅଧିକ ସେ ଅଧିକ କଥା ସୁନନୀ ଚାହିଏ, କମ ସେ କମ ସୋନା ଚାହିଏ, କମ ସେ କମ ଖାନା ଚାହିଏ, ଅର୍ ସହନ କରନା ଚାହିଏ। ଅର୍ ହମ ଉସକେ ବିପରୀତ ଚଲତେ ହେଁ, ଭୋଜନ କେ ଟାଇମ ମେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବି ଲାଇନ ଲଗତି ହେ, କଥା କେ ଟାଇମ ମେ ଥୋଡ଼ି ଛୋଟି ଲାଇନ ହୋତି ହେ, ଓ ଅଚ୍ଛା ନହିଁ ହେ। ଅର୍ ଜିତନେ ବି ଜିନ ଜିନ କି ଡ୍ୟୁଟିଆଁ ଲଗି ଆଜ ରାତ ମେ ଜିତନେ ବି ସେବାଦାର ହେଁ, ଚାହେ ଓ ମୁନ୍ସିଜୀ କେ ଆଦମୀ ହେଁ ୟା ପାଲ ୱାଲେ ହେଁ ଫୈଜପୁର ୱାଲେ, ଯୋ ବି ସେବାଦାର ଜିନ ଜିନ କି ଡ୍ୟୁଟିଆଁ ଲଗି ହୁଇ ହେଁ ସାରି, ସବ ଲୋକ ଆଜ ଇକଠେ ହୋଇଗେ ମେରେ ପାସ, ଅର୍ ସବ ଅପନି ଅପନି ଡ୍ୟୁଟିଆଁ ସମଝ ଲେଙ୍ଗେ। ଅର୍ ଏକ ସୂଚନା ବିଶେଷ ହେ କି ସୁବେ 5 ବଜେ ସେ ଚାଏ ଚାଲୁ ହୋଇଯାତି ହେ, 5 ବଜେ ସେ 7 ବଜେ ତକ ଚାଏ ହୋତି, 7 ବଜେ ସେ 9 ବଜେ ତକ ଜଲପାନ ବାଲଭୋଗ ନାସ୍ତା ଜିସକୋ ଆପ ବୋଲତେ ହୋ, 9 ବଜେ କେ ବାଦ ନାସ୍ତେ କି ତରଫ ମତ ଯାଏ କରୋ। ଅର୍ ଫିର 12 ବଜେ ସେ 2 ବଜେ ତକ କା ଭୋଜନ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେ, 2 ବଜେ କେ ବାଦ ଭୋଜନ ନହିଁ ମିଲେଗା, 2 ବଜେ ସେ 3 ବଜେ ତକ ଚାଏ ମିଲେଗି, ଅର୍ ଉସକେ ବାଦ ମେ କୋଇ ରସୋଡ଼େ କି ତରଫ ଯାବେ ନହିଁ, ଜବ କଥା କି ଆରତୀ ହୋଇଯାଏ ଉସକେ ବାଦ ଫିର ଭୋଜନ କି ଶାମ 7, 7:15 ଜିତନେ ବଜେ 7:30 ବଜେ ମାନକେ ଚଲିଏ, 7:30 ତ ବଜ ଯାତି ହେ ଇଧର, ଇସଲିଏ 7:30 ବଜେ ସେ 9 ବଜେ ତକ 9:15 ତକ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦୀ ଚଲା କରେଗି, ଏ ସମୟ କା ପାଳନ କରୋ, କୋଇ 3 ବଜେ ଆ ରହା ହେ, କୋଇ 2 ବଜେ ଆ ରହା ହେ, ଓହାଁ ଭଣ୍ଡାରିଓଁ କୋ ତଙ୍ଗ କରତେ ହେଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋ ବନା କେ ରଖୋ, ହମନେ ଆଜ ସେ ବହୁତ କଠୋରତା ସେ ଓହାଁ ବତା ଦିଆ ହେ, 2 ବଜେ କେ ବାଦ ଭୋଜନ ନାହିଁ, 3 ବଜେ କେ ବାଦ ଚାଏ ନାହିଁ, ସୁବେ 9 ବଜେ କେ ବାଦ ନାସ୍ତା ନାହିଁ, ଜିନ ଜିନ କୋ ଅପନା ୟେ ଟାଇମ ଟେବଲ ଓହାଁ ବୋର୍ଡ ଲଗା ହୁଆ ହେ ଅର୍ ଉସକା ପାଳନ କରେ। ଅର୍ କଥା କେ ସମୟ ଜିତନେ ବି ମହାତ୍ମା ଲୋକ କୁଟିଆଓଁ ମେ ରୁକେ ହୁଏ ଉନ ସବକୋ ଅର୍ ଜିତନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଲୀ ଜିତନେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଇସ କ୍ୟାମ୍ପ ମେ ନିବାସ କରତେ ହେଁ ସବକା କଥା ମେ ଆନା କମ୍ପଲସରି ହେ, ନହିଁ ତ ଅପନା ଆସନ ଉଠାଓ ଅର୍ ଚଲେ ଯାଓ, ୟେ ସବକୋ ନିୟମ କା ପାଳନ କରନା ପଡ଼େଗା। ଏକ ସମୟ କଥା ହେ, 2 ସମୟ ନହିଁ ରଖି, ଆଇ ବାତ ସମଝ ମେ, ଇସଲିଏ ସବ ବିଲକୁଲ ଯାହା ଯାହା ଆୱାଜ ଜା ରହି ହେ ପୁରେ କ୍ୟାମ୍ପ ମେ, ଚାହେ ଟେଣ୍ଟ ସିଟି ମେ ୟା ଇଧର କଲୋନି ମେ, ସବ ଜଗେ ସବ ଲୋକ ଶୁଣ ଲେବେ। ହଁ ହଁ, ଇସଲିଏ ସାରେ ମହାତ୍ମା କୋ ଆଜ ରାତ କୋ ଭାଇ ଆପଣ ବତା ଦୋ, ଅର୍ ଯୋ କଥା ମେ ନହିଁ ଆଗ ଉସକା ଆସନ ଉଠା ଦିଆ ଯାଏଗା,
चार घंटे का नियम है यहाँ बैठने का, सीधी सी बात है, भजन करो भगवान का, कथा सत्संग सुनो, संकीर्तन करो। ये महात्मा कितने हैं, 70-80 महात्मा है वहां, यहाँ 20 भी नहीं नजर आ रहे, कहाँ गए सब? इसलिए आज हमारे कार्यकर्ता जाएंगे बड़ी शक्ति से, सबको बिल्कुल लिस्ट बनाएंगे, और जो नहीं आएगा उसका आसन उठा दिया जाएगा। खाली भोजन भट बनने के लिए मत रहो, कुछ भगवान का भजन भी करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आए सब मिल करके आरती करें और नियमों का पालन करें। आरती के लिए और दिल्ली वाली माताएं हैं कि चली गई? दिल्ली महिला मंडल जल्दी से आ जाओ आरती के लिए, और जो भी और जो सुन रहे हैं, जो अड़ोस पड़ोस में अपने, सबको बता देना ये सूचना, शक्ति से आज हिदायत दी गई है। अभी ये 19 फरवरी तक कुंभ चलने वाला है, 20 फरवरी को हम लोग प्रस्थान करेंगे। इसलिए जो यहाँ कैंप में रहेगा नियम का पालन करे, नहीं अपना बिस्तर उठावे। सूचना का हम सभी पालन करें, जो भी जगत गुरु जी की हमारे लिए सूचना है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, आइए भाव से क्षमा तेरी का।